नमस्कार, मैं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका चैनल टेली खजाना में। दोस्तों, अभी इस वक्त अगर आप लोग सोशल मीडिया देखेंगे तो एक बात की गूंज चारों तरफ है। 2 नवंबर को आएगा SRK यानी कि किंग ऑफ रोमांस साहब के बर्थडे पर टीजर, वो भी पठान का। जी हाँ दोस्तों, क्या है इसके पीछे की सच्चाई, आइए सुनिए इस वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो धनाधन कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जैसा कि हम सबको पता है कि पठान को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। हालांकि ऑलरेडी मैंने बड़े बड़े लीडिंग पोर्टल्स ने भी ये बात क्लियर कर दी है कि दिवाली से पहले यानी कि 23 को जब इंडिया पाकिस्तान का मैच है उसी दौरान जो है टीजर को रिलीज किया जाएगा। लेकिन फैंस ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा रखा है, जहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो फिल्म का टीजर है ये रिलीज होगा शाहरुख साहब के बर्थडे पर, विच इज़ 2 नवंबर। जी हाँ दोस्तों, 2 नवंबर को रिलीज होगा टीजर, ऐसा कह रहे हैं। और हैशटैग पठान टीजर भी चारों तरफ छाया हुआ है। वैसे आपको बता दो दोस्तों, तो पठान के लिए जो एक्साइटमेंट है उसके लिए कुछ फैंस ने सोशल मीडिया पे ये भी कह दिया है कि शाहरुख साहब को जो है प्रमोशन करना चाहिए, और वो भी ग्राउंड लेवल पे प्रमोशंस करना चाहिए, जैसे कि रेलवे ट्रिप्स करो, इंडिया में इधर उधर पूरा जाकर घूमो, जैसे उन्होंने रईस के टाइम पे किया था। तो ऐसे में ग्राउंड लेवल प्रमोशन से क्या होता है कि बस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, जिसके चलते फिल्म जो है अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी पाती है। इसके अलावा दोस्तों, अलग अलग पोस्टर शेयर किए जा रहे हैं जहां पर सारे SRKians इकट्ठा हो गए हैं। भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, देखकर ऐसा लग रहा है कि SRK साहब जो है वो ऐसा बवाल करेंगे और टीजर ऐसा रिकॉर्ड सेट करेगा जो कि जवान के भी टीजर को, ये जो टाइटल अनाउंसमेंट था इसको भी पीछे छोड़ देगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं तो काफ़ी सारे SRK फैंस जो हैं ये भी कह रहे हैं कि पठान टीजर को एक बहुत बड़े लॉन्च के साथ करना, शाहरुख साहब के फैंस को बुलाना, उससे बवाल हो जाएगा। आपको क्या है लगता ज़रूर बताएं। चलता हूँ, अपना ख्याल रखें।